रहा था तो मेरे पांचों सेंस, जो फाइव सेंस ऑर्गन जो बोलते हैं, वो सभी एक्टिवेट थे। कैसे थे एक्टिवेट? जब मैं कोई क्रिकेट मैच देख रहा था तो मेरी जो आंखें हैं वो पूरी तरीके से फोकस थी, ठीक है। दूसरा चीज, मैं कानों से सुन रहा था जो भी कमेंट्री हो रहा है वो। तीसरा चीज, जब हम लोग मैच देख रहे हैं तो पूरे जोर जोर से चिल्लाते, चौका मारा, छक्का मारा, से विकेट चली गई, चिल्लाते बात करते हैं, मतलब हमारी जवान वो चल रही रहती है। चौथी, हमारी स्किन, स्किन क्या रहती है, जब रोमांस आ गया या जब पूरे हॉरर सीन्स हो गए या बहुत एक्साइट हो रहे तो स्किन क्या कर रही है, एक्टिवेट होती है, डीएक्टिवेट होती है, फ्लक्चुएट हो रही है, वो भी क्या है, उस समय एक्टिवेट हो चुकी है। फिर आता है हमारा नोज, यानी कि हम लोग जो सांस लेते हैं, तो ब्रीदिंग जो बोलते हैं वो भी क्या होता है, कम हो रहा है, ज्यादा आ रहा है, बहुत, अभी चार बॉल, छह बॉल रखे है, 20 रन चाहिए, सिक्स मारेंगे क्या, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, ब्रीथ क्या हो रहा है हमारे, बढ़ रहे हैं, कुछ जो चल। तो उस समय जो मैच क्यों याद रहा, क्योंकि मेरे पांचों ऑर्गन्स उसमें एक्टिवेट थे। अभी ये तो समझ में आ गया कि हम लोग फिल्म क्यों याद रह रही है, हमारे पांच ऑर्गन को हम लोग क्यों एक्टिवेट करें। अभी उसको अप्लाई करना है, क्या करना है, अप्लाई करना है। तो अप्लाई करना है मुझे, मेरा सवाल क्या है, एक स्टूडेंट का सवाल क्या होता है कि जो भी मैं पढ़ता हूँ मुझे याद रहना चाहिए, ये हर किसी का सवाल है। देखिए हम लोग कितना पढ़ रहे हैं, कितने लेक्चर्स कर रहे हैं, कितने किताबें खरीद रहे हैं, कितना, ये इट डजंट मैटर, ये तब तक कि मैं अगर वो पढ़ूंगा तो ना ही मुझे अगर समझ में आएगा या नहीं आ रहा। अगर मुझे समझ में आता है तो उसका फायदा है, अगर नहीं है तो इट्स टोटली द वेस्ट ऑफ टाइम। और हम लोग घंटों तक किताबों के सामने पड़े रहते हैं, पढ़ रहे हैं, नजर किधर जा रही है, इधर देख रहे हैं, फिर पढ़ रहे हैं, भाई लोगों को बता रहे हैं मैं बहुत 2 घंटे पढ़ता हूँ, 10 घंटे पढ़ता हूँ, लेकिन फायदा क्या कि जब याद ही नहीं रह रहा है। तो जरूरी क्या है कि हम लोगों को जब भी आप कोई भी चीज पढ़ रहे हो उसमें मेरे पांचों जो सेंस ऑर्गन है उसको मैं किस प्रकार से एक्टिवेट कर सकता हूँ, क्या करना है, एक्टिवेट करना है। तो एक्टिवेट कैसे किया जाता है वो बताता हूँ, क्योंकि आज तक ये तो समझ में आ रहा है लेकिन ये किसी ने नहीं बताया है कि हमें ये सब चीजों को किस प्रकार से एक्टिवेट करना है। तो जब भी आप किताब खोल रहे हो, जब भी कोई चैप्टर्स आप पढ़ रहे हो, तो सबसे पहले एक सवाल डालो, क्या डालना है, सवाल डालो। अरे हाँ सर, आज एडमिनिस्ट्रेटिव पढ़ा रहे हैं, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ा रहे, तो मेरे माइंड में पहले, सबसे पहले सवाल आ गया, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन मतलब होता क्या है, क्या करना पड़ता है। मैंने भी देखा था वहां पे एक एडमिनिस्ट्रेशन लिखा हुआ था, वहां पे कोई पर्सन कैबिन में बैठा था, लेकिन वो होता क्या है, उसका काम क्या है, मुझे तो आज तक समझ में नहीं आया। मैं हॉस्पिटल में जब भी जाता हूँ तो डॉक्टर से मिलता हूँ या तो मुझे नर्स समझ में आती है, लेकिन ये आदमी यहाँ पे बैठकर क्या कर रहा है, इसका काम क्या रहता है। मेरे दिमाग में हजारों सवाल आ गए हैं उस चैप्टर्स के रिलेटेड। अब जब मेरे माइंड में जब सवाल खड़े होंगे तो मैं क्या ढूंढने की कोशिश करूंगा, जवाब ढूंढने की कोशिश करूंगा। और जब मेरे माइंड में जितने ज्यादा सवाल होंगे उतना ही मेरा इंटरेस्ट लेवल अब यहाँ था, अभी वो यहाँ से बढ़कर यहाँ चला गया, अब मुझे मजा आ रहा है क्योंकि मेरे पास बहुत सारे सवाल है। और जब भी सवाल रहते तो जवाब ढूंढने की कोशिश कर रहे, क्या करें, जवाब ढूंढने की कोशिश कर रहे। और जब मैं धीरे धीरे फिर से वो चैप्टर्स को पढ़ रहा हूं तो मैं क्या कर रहा हूं, पढ़ रहा हूं, मतलब पढ़ते समय, अब तक जब हम लोग पुरानी तकनीक से पढ़ते थे तो क्या करते थे, एक तो आंखों से देख रहे हैं, ठीक है, और पढ़ रहे पढ़ रहे पढ़ रहे हैं, लेकिन कानों में आवाज कौन सी आ रही है, बाजू में कोई टीवी चल रहा था, 10 बजे का टाइम था और एक सीरियल के बाद बड़े अच्छे लगते हो, का पढ़ाई करेंगे, उधर चला होता है, ऐसे ही हो रहा है।
सबके साथ होता है, किसी के साथ और ज्यादा ही हो रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि मेरे मैं जब देख रहा हूँ, एक जब मैं मूवी देख रहा था, एक मैं मैच देख रहा था, उस समय मेरे पांचों आर्गन जो थे वो पूरी कॉन्सेंट्रेट थे, उसी की तरफ फोकस थे। लेकिन अब मैं क्या कर रहा हूं, सिर्फ मैं आंखों से देख रहा हूं, लेकिन मेरे बाकी ऑर्गन्स क्या है, मेरे कान कहीं और चल रहे, देख रहे हैं, ठीक है, मेरी स्किन जो है तो बैठ नहीं पा रहा हूं, बहुत अकड़न से हो रही है क्योंकि इंटरेस्ट नहीं क्रिएट हो रहा है, मेरे जो नाक जो है तो कहीं मम्मी ने कुछ बनाया हुआ उसकी क्या स्मेल आई है तो उसमें जा रहे हैं। तो क्या मेरे ऑर्गन जो पूरे जो चीजें हैं वो क्या एक्टिवेट है? नहीं है एक्टिवेट, नहीं है। तो हमें अब करना क्या है, जब हम लोग पढ़ाई करने दे रहे चैप्टर, तो सबसे पहले सवाल पूछो, क्या पूछना है? सवाल पूछना है। दूसरा चीज, जब भी हम लोग पढ़ रहे हैं, जब भी हम लोग पढ़ रहे हैं, उस वक्त आपको जो भी चीजें आप पढ़ रहे हो तो उतना जोर से पढ़ो, उतना जोर से पढ़ो कि कम से कम वो मेरे कानों को सुनाई देना चाहिए। हमारे पढ़ने का तरीका, बचपन में तो जोर जोर से पढ़ते थे पूरे स्कूल से, जैसे बड़े हो गए पता नहीं क्या हो गया। पढ़ाई का मतलब क्या होता है, सिर्फ ऐसा देखना तो पढ़ रहे। अरे आप जो पढ़ रहे हैं वो ना मेरे कानों को सुनाई दे रहा है, मतलब ना ही जब तक मैं जब पढ़ूंगा तो वो कानों को सुनाई दे देगा, तो मुझे समझ में कैसे आएगा? तो क्या करना है, सबसे पहले कोई भी चैप्टर बोलेंगे तो सवाल पूछना है, क्या करना है? सवाल पूछना है। दूसरा चीज, जब भी पढ़ रहे हो तो इतना जोर से पढ़ना है कि कम से कम मेरे कानों को सुनाई दिए जाए। और जैसे ही आपके कानों को ये चीजें सुनाई देते जाएंगी, वैसे आपके कान क्या हो गया, अभी कान भी एक्टिवेट हो रहे हैं, क्या हो गया, एक्टिवेट हो रहे। फिर आप जो भी पढ़ रहे हो उसको थोड़ा महसूस करने की कोशिश करो, मतलब कुछ तो पिक्चर बनना चाहिए, कुछ तो समझ में आना चाहिए। और जैसे जैसे मुझे वो समझ में आ रहा है तो मैं उसको फील कर रहा हूँ अंदर से, हमारी फीलिंग होनी चाहिए, हम लोगों को समझ में आना चाहिए। जो छोटे बच्चे देखते हैं ना, कोई अगर पोएम चल रही है तो उछलते हैं, ठीक है, हम तो उछलते ही नहीं अभी, ऐसे चिपक के बैठे हैं कि कुछ समझ में नहीं आता कोई, यानी कि ऐसा रहते कि ना हंस रहे हैं ना रो रहे हैं, बस ऐसे बैठे हैं, ऐसा जैसे नहीं, तो मतलब क्या आ जाता है, उससे आप स्टक हो चुके हो पूरी तरीके से। और जब स्टक हो चुके तो आप कुछ नहीं होते, इसलिए हमारे जो सेंस ऑर्गन्स है उसको एक्टिवेट करना है, क्या करना है, एक्टिवेट करना है। और देखकर कानों को कैसे एक्टिवेट करेंगे, ठीक है, और अपनी जो है बात करेंगे, जब तक बोलोगे नहीं तो कानों को सुनाई नहीं देगा, जब तक ये सब चीजें नहीं होगी तब तक हम लोग चीजों को समझ नहीं पाएंगे। फिर जैसे ही ये सब आकर तो समझ में आ गए, लेकिन अब हमारा माइंड किस प्रकार से सोचता है, हम लोग जो भी चीजें, जैसे कि मैंने आपको लास्ट सेशन में भी बताया, हमारा माइंड कैसे सोचता है, इमेजेस में सोचता है, वर्ड्स में सोचता है क्या, वर्ड्स में नहीं सोचता है, इमेजेस में सोचता है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, अपने जो भी चीजें हम लोग पढ़ रहे हैं उसको इमेजेस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, इमेजेस में। क्यों नहीं, हमें कोई नंबर याद रहा है, यहाँ पे कितने लोग हैं जिनको अपना बाइक का नंबर याद है, बस दो चार ही लोग होंगे, क्यों याद नहीं है, हर दिन देखते हैं बाइक की तरफ, हर दिन देखते हैं, फिर याद क्यों नहीं है, क्या आपकी गाड़ी है, दूसरों की तो नहीं चलाते हैं, फिर भी याद क्यों नहीं है। तो अब हम लोग देखते हैं कि नंबर्स को किस प्रकार से याद किया जाता है, ठीक है। तो सबसे पहला, फर्स्ट, अभी हमारी क्या है, माइंड में नंबर्स की कोई इमेज है नहीं है, नहीं है।
कोई भी इमेज नहीं, नहीं है। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, अपनी माइंड में इमेज क्रिएट करनी है, और जैसे ही इमेज क्रिएट होगी वैसे ही एक कहानी बनेगी, और जैसे ही कहानी बनेगी वैसे ही कोई भी नंबर आपको याद रहेगा। तो सबसे पहले वन, वन मतलब वन को हम लोग जोड़ते हैं रन से, किसे जोड़ते हैं रन, क्योंकि वन रन, जैसे वन बोलते हैं तो मुझे क्या याद आता है, रन याद आता है। तो वन को हम मैंने जोड़ दिया रन से, क्योंकि वन की कोई इमेज नहीं है। वन बोलेंगे तो मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा है, लेकिन मुझे अगर रन बोलते हैं तो मुझे कुछ याद आ रहा है। तो वन का मतलब क्या होता है, रन। चलो ठीक है, तो क्या हो गया, तो मैं अभी इसको कहानी से जोड़ रहा हूँ कि मैं क्या कर रहा था, कि मैं जब एक सुबह सुबह मॉर्निंग में उठा और भागते भागते स्टेडियम पे चल रहा हूँ, जोर जोर से भाग रहा हूँ, भाग रहा हूँ, भाग रहा हूँ, भाग रहा हूँ। देखो अच्छी चीज अच्छे नहीं, अच्छी चीजें सोचोगे तो नहीं, भाग रहा हूँ भाग रहा हूँ। वहां से मेरे सामने एक लड़की खड़ी थी तो मुझे वो याद आ गई, वो भी मुझे मेरे पीछे भाग रही थी, मैं वो जोर से जाकर भाग रहा था, फिर से दो चार लोग आ गए, मैं फिर से भाग रहा हूँ, किस लिए भाग रहा हूँ, मुझे क्योंकि नंबर वन बनना है, क्या बनना है, नंबर वन बनना है, इसलिए मैं भाग रहा हूँ। ठीक है, वन मतलब अभी रन, समझ में आया। फिर दूसरा आता है टू, टू जैसे ही बोले तो मेरे सामने आ गए दो छोटे छोटे टॉयस, ठीक है, टॉयस क्या है, ट्विंस, ट्विंस बोल सकते हैं टॉयस, तो जैसे बोले ट्विंस, तो मेरे सामने दो पेयर आ गए। तो मैंने क्या किया, जब वन बोला था तो रन करके लिखा था, तो मैंने वन के पीछे लिख दिया आर, क्या लिखना है आर, मीन वन इज इक्वल टू आर, आर इज इक्वल टू रन। टू, टू का मतलब क्या होता है, ट्विस्ट, टू मीन्स ट्विस्ट, ट्विस्ट मीन्स टी, तो टू इज इक्वल टू टी, टू इज इक्वल टू टी। देन आता है थ्री, थ्री जब भी मेरे माइंड में थ्री वर्ड्स आ रहा है तो मुझे एक वर्ड से याद आ रहा है थ्री, तो क्या हुआ था, तो जब मैं जब ग्राउंड पे दौड़ रहा था दौड़ रहा था दौड़ रहा था, तो दो मेरे ट्विस्ट आ गए, ठीक है, दो अपने जुड़वा भाई आ गए और वो भी दौड़ रहे, ठीक है। तो फिर देखते 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 क्या करते हैं कि मैं फिर से दौड़ रहा हूँ, फिर से दौड़ रहा हूँ, ठीक है। तो फिर ऐसे करते करते मुझे वहां पे एक कॉइन मिल गया, ठीक है, क्या हो गया, मैं जब दौड़ा तो मुझे थ्री का बहुत बड़ा कॉइन मिल गया। कुछ भी याद रखो, देखो अच्छी चीज याद नहीं है, अच्छी चीज याद नहीं, मुझे इतना बड़ा कॉइन मिल गया, उसमें लिखा था थ्री, क्या लिखा था थ्री, थ्री इज इक्वल टू थ्री, जोर से बोलो, सब कुछ एक्टिवेट होना चाहिए, थ्री इज इक्वल टू थ्री, वन इज इक्वल टू रन, टू इज इक्वल टू ट्विस्ट, और थ्री इज इक्वल टू थ्री। फिर ऐसे करते करते थ्री के बाद आ गया फोर, क्या आ गया फोर, और फोर को मैंने जोड़ दिया मोर से, ये दिल मांगे मोर, ये दिल मांगे मोर। फिर जब मैं दौड़ने लगा मुझे वो जो दो लड़कियां थी जो ट्विस्ट थी उसको भी पीछे कर दिया, बाद में मुझे थ्री का कॉइन मिला बहुत बड़ा, और जब थ्री का कॉइन मिला तो मुझे और दौड़ने की इच्छा हो गई, तो अब मेरा दिल मांगे मोर, तो मैं दौड़ता गया। फिर मुझे वहां पे जैसे मोर आ गया, मतलब क्या हो गए चार, क्या हो गए चार। अब फिर मैं जब दौड़ता गया तो फिर मुझे आगे जाकर मैं जा गया, पहुंच गया पांच पे, तो पांच का मतलब फाइव, क्या है फाइव, एंड फाइव जोड़ता जोड़ा जाता है लाइव से, फाइव का मतलब क्या हो गया लाइव, मैं लाइव मैच देख रहा था, ठीक है, मैं लाइव मैच देख रहा था, और मुझे इतना मेरा दौड़ने का इतना मेरा आगे बढ़ गया, अभी मुझे और दौड़ना है, तो मुझे लाइव मैच देखने लगा, ठीक है। तो लाइव का मतलब फाइव, क्विज का मतलब टू, थ्री का मतलब थ्री। फिर जैसे ही मैंने लाइव मैच देखा तो मेरे अंदर और एनर्जी आ गई कि मैं अभी क्रिकेट मैच खेलने लगा,
और क्रिकेट मैच में मैं जो छक्के पे छक्के मारने लगा दैट मींस सिक्स दैट मींस सिक्स मींस अब आपके माइंड में जब सिक्स आएगा ना तो एक इमेज रहेगी क्या हुई इमेज बन गई तो सिक्स फिर जैसे कि सिक्स होने के बाद मैंने इतने छक्के मार ले कि एक हिस्सा मैंने सिक्सर मारा कि जो चला गया हेवन में कहा गया हेवन में हेवन का मतलब हेवन अब याद रखना कब इजी हो जाएगा हेवन में चला गया और मैं भी उसके पीछे हेवन में चला गया क्या खूबसूरत नजारा था सब देख रहे थे सब उर्वशी रंबा सब बातें ठीक है ये नजारा था ये ऐसे याद रखा जाता है ये अगर अच्छे से याद होगा तो कुछ भी नहीं याद रहेगा अब फिर मैं ऐसे बैठा था फिर रात में सेवन में जैसे ही मैं गया तो वहां पे आ गया एट एट का मतलब होता है गेट गेट बैक हेवन के बाद आता है गेट और जैसे ही गेट मिला जैसे गेट खोला फिर वहां पे मुझे उर्वशी वर्मा मदिरा लेकर आ गया मीन्स वाइन क्या लेकर आ गए वाइन वाइन का मतलब आ गया नाइन वाइन का मतलब क्या आ गया नाइन और नाइन के बाद जब मैंने वाइन पीना शुरू कर दिया तो मैं बन गया जीरो जीरो मीन्स हीरो जीरो मीन्स हीरो तो अब मैंने इन सब चीजों को कहानी याद आ गई कहानी पूरी याद आ गई मुझे बताइए पांच के बाद क्या आता था सिक्स मतलब क्या क्या मैंने सिक्स मारना शुरू कर दिया ठीक है ट्विस्ट कब आया ट्विस्ट कब आया ये ट्विस्ट कब आया रन करने के बाद ठीक है तो अभी पूरी कहानी हमें याद आ गई ठीक है समझ में आ तो वन मींस रन मींस वन इज इक्वल टू आर अब क्या करना है वन इज इक्वल टू आर टू मींस ट्विस्ट ट्विस्ट मींस टू मींस टी क्या हो गया थ्री मींस थ्री तो थ्री का आ गया यव देन फोर दिल मांगे मोर मींस व्हाट यम फाइव इज इक्वल टू लाइव लाइव मींस यस सिक्स इज इक्वल टू यस देन आ गया सेवन मैं चला गया हेवन तो क्या हो गया यस देन जैसे ही एट आया तो सामने आया एट एट मतलब जी फिर आ गया मैं गेट जैसे खुला तो क्या गई वाइन वाइन का मतलब होता है नाइन मींस डब्ल्यू और फिर बन गया जीरो दैट मींस जीरो तो जीरो मींस यस जीरो मींस अब मैंने ये सब तो मैंने कर दिया अब मुझे मेरे बाइक का नंबर याद करना है तो किसी के पास बाइक है नंबर याद है बताइए फोर नंबर डबल थ्री एट टू क्या है डबल थ्री एट टू तो अब मैं उसे कैसे याद रखूंगा फ्री गेट एंड ट्विस्ट गेट एंड ट्विस्ट तो अभी अगर मुझे इस गाड़ी का नंबर इनके गाड़ी का नंबर याद रखना है तो जब मैं क्या गया जब मैं थ्री में गया ठीक है थ्री में मैं बहुत बड़ा बोर्ड लगा था दूसरा भी बोर्ड लगा था तो थ्री ठीक है पहला थ्री फिर दूसरा थ्री और फिर मुझे मिला गेट एक बहुत बड़ा गेट लग गया और जैसे ही गेट खोला तो मुझे वहां पे दो अच्छे अच्छे नंबर पेश दिख गए तो अब कैसे याद रहा अब कहानी बन गई अब मुझे इसको मैं इन नंबर को कभी भी नहीं भूल सकता कभी भी नहीं भूल सकता अगर मैंने बोला कि मेरे गाड़ी का नंबर मोर है तो फोर है क्या हुआ फोर वैसे भी कोई और एक नंबर फाइव सिक्स नाइन सेवन अभी एक तो हो गया ये तरीका एक कहानी बना के वर्ड को बोल दो दूसरा
इसको वर्ड बना लो। अभी वर्ड कैसे बनाया जाता है, आपने बोला 5, 6, 9, 7 तो मैंने लिया 5 का लिया यल, ठीक है, 6 का लिया एस, 9 का लिया वाई, W, और 7 का लिया एच, ठीक है। तो अभी मैंने इसको लिख लिया इस सीक्वेंस में S, W, S. अभी इसमें मैं क्या कर रहा हूं, कोई E डाल रहा हूं, कोई A डाल के मैंने वर्ड बना लिया। क्या बना लिया? वर्ड बने दिए। जैसे कि लेस वेट, ठीक है, यल, ये समझ में आया मेरा, मैं इतने बाइक पे चल रहा हूं कि मेरा पूरा जो भी वेट था वो पूरा लेस हो गया, ठीक है। तो मुझे यल मींस 5, यस मींस 7, एस मींस 6, एस मींस 6, देन डब्ल्यू मींस 9, मींस 9, एंड H means heaven, heaven is 7, हो गया। तो आपके गाड़ी का नाम, मेरा नंबर है less weight, कभी भी पूछा ट्रैफिक पुलिस ने पूछा नंबर क्या है, less weight है, याद आ गया, ठीक है। तो ये तकनीक होती है हम लोगों को जब भी कोई भी नंबर याद रहे, तो क्या करना है, उसका एक इमेज क्रिएट करना है, और जब इमेज क्रिएट हो जाएगा तो नंबर आसानी से याद रहेंगे। ये तो हो गया नंबर। अभी मुझे बात करना है कि कोई वर्ड्स याद रखने, बहुत अलग अलग वर्ड्स आते हैं, ठीक है, या किसी का स्पेलिंग है याद करना है, एक स्पेलिंग है। तो एक स्पेलिंग लिखा हुआ था बोर्ड पे, वो था A-S-S-A-S-S-A-S-S-I-N-A-T-I-O-N, क्या था, ए डबल एस आई, फिर से ए डबल एस, हाँ, एस एस ए डबल एस, ए डबल एस आई एन ए टी आई ओ एन। तो बच्चे खड़े थे, बैठे हैं, और टीचर को पूछ रहे कि एसोसिएशन क्या है, एसोसिएशन का स्पेलिंग क्या है। तो टीचर जी बोले, गधे के ऊपर गधा, उसके ऊपर मैं, और उसके ऊपर अपना देश। एस एस आई नेशन, गधे के ऊपर गधा, उसके ऊपर मैं, उसके ऊपर देश। अब बच्चे बताइए कि एसोसिएशन का बिना देखे हुए स्पेलिंग बताना है, क्या है, स्पेलिंग बताना, एस ए डबल एस, फिर से गधे के ऊपर गधा मींस ए डबल एस, आई देन आता है आई मतलब मैं, और नेशन मतलब देश। तो क्या हो गया, मुझे एक ही बार में याद रहा, स्पेलिंग तो याद रहता ही नहीं था। तो हमें क्या करना है, जब भी कोई चीज का स्पेलिंग देखना है तो उसको हम लोगों ने अभी क्या कर लिया, अभी तो स्पेलिंग था, एसोसिएशन कोई इमेज थी, नो। अब जैसे मैंने इमेज बोल दिया, मैं गारंटी देता हूं कि लाइफ में आप एसोसिएशन का स्पेलिंग मैं कहीं पे भी देख लो, आप कभी भी नहीं भूलोगे, क्योंकि हम लोगों ने गधा है जो बुरा माना जाता है, जो हम देखते हैं उसको हमारी इमेजेस में डालते हैं। फिर से ऑटोलॉरिंगोलॉजिस्ट, क्या है, ऑटोलॉरिंगोलॉजी, नाक कान घसा का जो डॉक्टर होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, जनरली तो ईएनटी बोलते हैं, ऑटोलॉरिंगोलॉजी। तो होता क्या है, अभी इतना बड़ा स्पेलिंग, मुझे स्पेलिंग तो छोड़ो, मुझे वो नाम ही नहीं याद आ रहा है ऑटोलॉरिंगो। तो मैंने क्या किया, उसको इमेजेस में डाल दिया। इमेजेस में कैसे डाला, कि मैं जब डॉक्टर के पास हॉस्पिटल में मेरे गले में कुछ प्रॉब्लम था, तो मैंने पहले एक लेडी थी उसके गले में कुछ प्रॉब्लम था, ठीक है,
तो वो उसने सबसे पहले क्या किया, ऑटो पकड़ा हॉस्पिटल में जाने के लिए, ऑटो मिल गया। ऑटो मिलने के बाद लैरी, लैरी उस लड़की का नाम था, क्या नाम था, लैरी, ठीक है, या लैरी पूछे, लैरी, गो मींस जाना, लॉजिस्ट, ठीक है। तो मैंने क्या किया, वो लड़की बैठी, ठीक है, वो ऑटो में बैठी, मतलब ऑटो लॉरी गो लॉजिस्ट, ठीक है, लॉजिस्ट हमेशा याद रहता है क्योंकि बहुत बार मैंने। तो अब मैंने मुझे बोला कि नागपुर घसे का डॉक्टर का स्पेशलिस्ट का नाम क्या है, ऑटो लॉरी गो लॉजिस्ट। यही तो टिपिकल वर्ड्स है, यही तो प्रॉब्लम है कि हमें वर्ड्स याद नहीं आ रहे क्योंकि हमारे वर्ड्स को हम लोगों ने इमेजेस के साथ नहीं जोड़ा है। क्या नहीं किया है, इमेजेस के साथ नहीं जोड़ा है। फिर आता है इंसाइक्लोपीडिया, क्या था, इंसाइक्लोपीडिया। तो मुझे बहुत बार याद नहीं आ रहा ये वर्ड्स, ये बचपन से मैंने, तो मैंने एक कहानी बना ली इंसाइक्लोपीडिया। तो जब मैं इंसाई, साई का मुझे कुछ इमेज है, साई बाबा, ठीक है, तो जब मैं साई मंदिर में गया, मतलब इन साई, क्लोपी, क्लोपी का कुछ इमेज नहीं आ रहा है लेकिन मेरे पास फ्लॉपी का इमेज आता है, जो कंप्यूटर में जो डालते हैं तो फ्लॉपी डिस्क जिसे बोलते हैं, ठीक है। तो जब मैं साई मंदिर में गया, दिया तो समझ में नहीं आया लेकिन दिया वर्ड समझ में आया, दिया देना, ठीक है। तो जब मैं साई मंदिर में गया तब मुझे साई बाबा ने एक क्लोपी दिया, तो मैंने स्पेलिंग को कैसे जोड़ दिया, इनसाइक्लोपीडिया। तो मुझे याद आ गया, और याद इसलिए आया कि एक इंटरेस्टिंग उसके पीछे क्या थी, स्टोरी थी, जब स्टोरी थी मतलब इमेज थी। तो यही तो करना है हमें, क्या करना है, इमेजेस बनानी है, क्योंकि हमारा माइंड किस में सोचता है, इमेजेस में सोचता है, और हमारे पास उसका कोई इमेज ही नहीं है, और जब इमेज नहीं है तो इंटरेस्ट नहीं है। ये तो हो गई एक दूसरी चीज कि हम लोगों ने सबसे पहले क्या देखा, वर्ड्स को यानी कि नंबर्स को कैसे याद रखे जाता है, दूसरा देखा वर्ड्स को कैसे याद रखा जाता है, अब हम लोग देखेंगे कि सीक्वेंस को कैसे याद रखा जाता है, क्या कर देते हैं, सीक्वेंस को कैसे याद रखा जाता है। तो जैसे लोग देख रहे हैं ये पागल हो गया, ठीक है, फिर वैसे करते 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 हम लोग घोड़े जैसे दौड़ रहे तो हम चले गए एक मंदिर में। मंदिर में जब जैसे ही गया तो मैंने वो घोड़ा छोड़ दिया और घोड़ा भाग गया और मैं भगवान के दरवाजे में चला गया। अरे भगवान ये क्या कर दिया, मैं तो शादी में दौड़ रहा था, यहाँ से कैसे आ गया, ठीक है। तो फिर वो वहां से जाने के बाद मुझे बाहर जाकर देखा तो मुझे भिखारी दिख गया, मेरे पास जितना भी सोना पहना था मैंने दूल्हे के, मैंने पूरा गेटअप उसको दे दिया और उस भिखारी को दूल्हा बना दिया क्योंकि मुझे तो दुल्हन मिली ही नहीं, मैं तो मंदिर में आ गया। फिर वो जाकर भिखारी जब था पूरे दूल्हे में वो गेटअप में तैयार हो गया और वो जाकर चला गया उस बंगले में, ठीक है, बड़े बहुत बड़ा बंगला था, वहां पे शादी चल रही थी, ये भिखारी जाकर उस बंगले में चला गया। बंगले में जब जाता है, जैसे ही जाता है तो बंगले में एंट्री करता है, वहां पे शादी चल रही थी, ठीक है, वहां पे जैसे ही शादी चल रही थी तो वैसे ही जो जैसे ही ये भिखारी एंट्री किया उसने उसने उस में चाकू निकाल दिया या तलवार निकाल दी और उस दूल्हे की तरफ भागने लगा। वो फिर से दूल्हा भाग रहा है फिर से उसको घोड़ा दिख गया, फिर वो जाकर घोड़े में बैठ गया और घोड़ा बिल्कुल फिर से वो घोड़ा दौड़ रहा है। मैं मंदिर में जाकर वेट कर रहा था, अरे मेरी दुल्हन कहाँ गई, ठीक है। तो वैसे ही वो तो दूल्हा भाग गया, दूल्हे के पीछे वो भिखारी भाग गया, दोनों भाग गए थे, मैं लड़की लेकर उठा के भाग गया, ठीक है। तो अब हम लोगों को इस वर्डिंग्स को सीक्वेंस में रखना है, क्या करना है, सीक्वेंस में रखना है। तो पहले क्या आया, घोड़ा, घोड़े के बाद क्या आया, दूल्हा, दूल्हे के बाद क्या आया, मंदिर, मंदिर के बाद क्या आया, भिखारी, भिखारी के बाद क्या आया, बंगला, बंगले के बाद क्या आया, शादी, शादी के बाद क्या आया, दूल्हा, ठीक है, दूल्हा फिर से भाग गया, मतलब फिर से घोड़ा आया, घोड़े के बाद क्या आया, भिखारी, भिखारी के बाद क्या आया,
दुल्हन आई तो दुल्हन का बाल, ठीक है। तो ये करिए, अब मुझे इसको उल्टा गिनना है, क्या करना है उल्टा गिनना है। ऐसे कुछ 10 वर्ड्स लिखे थे तो उल्टा गिनना, उल्टा कैसे चलेंगे, दुल्हन, दुल्हन के बाद दूल्हा, दूल्हे के बाद घोड़ा, घोड़ा के बाद भिखारी, घोड़े के पीछे भिखारी भाग रहा था, भिखारी के बाद क्या हो गया, बंगले में चला गया था भिखारी, तो क्या गया बंगला, बंगले के बाद मंदिर, मंदिर के बाद फिर से घोड़ा, ठीक है। तो इस सीक्वेंस को ऐसे कोई भी वर्ड्स आप ले लो, उसको पकड़ लो, पकड़ के लिख लो, ठीक है, और उसको एक दूसरे के साथ इमेज बना के जोड़ दो। क्या करना है, इमेज बना के जोड़ना है आपको, कोई भी चीज लॉन्ग टर्म तक याद रहे। इसे बोलते हैं माइंड प्रैक्टिस। क्या बोलते हैं, माइंड प्रैक्टिस। तो हमें क्या करना है, हमें रटना नहीं है, हमें चीजों को समझना। सर मोबाइल नंबर कैसे याद रखते हैं? सेम थिंग इज देयर, अगर मोबाइल नंबर याद रखती हैं तो अपने मोबाइल को नंबर को लिख लो, ठीक है। लिखने के बाद जो कोडिंग बताए है उसको लिख लो और इसका एक ऐसा वर्ड्स रेडी कर दो जो हम लोग याद कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल लिखना है, हुए चीजों को लिखना है, तो नाइन मीन्स व्हाट, डब्ल्यू, ठीक है। Seven is equal to seven years. Six means what? Yes. Three is equal to three. R. Gun. तो मेरा नंबर स्टार्ट हो रहा है 9 7,
ठीक है, देखिए तो जैसे माइंड प्रैक्टिस नाइन सेवन देन आ रहा है सफर, मतलब मेरे पीछे लिखा है यस एफ एंड आर, तो नाइन सेवन यस मीन सिक्स विद सफर, यफ मीन थ्री दैट इज थ्री इज इक्वल टू आर मीन वन, ठीक है नाइन सेवन सिक्स थ्री वन, ठीक है पास हो गया सफर। फिर आ गया टॉपिक मीन टी आर आ गया। अभी देखो टॉपिक याद आ गया तो आपको वो बीच के हर्ड वर्ड भी नहीं याद आ रहे, समझ में आ गया अभी इजी नहीं, एक ही बार में आ गया तो टी आर लिखा हुआ टॉपिक टी मीन टू एंड आर मीन मतलब ठीक है समझ में आ रहा है गेट मीन्स एच देन आ रहा है डब्ल्यू डब्ल्यू मीन्स वाई मीन्स नाइन एंड एच मीन्स सेवन, ठीक है तो अभी नंबर को कैसे पकड़ा, नंबर को शुरू कर दिया नाइन। अभी देखो कुछ देर बाद क्या है आपको नंबर को याद नहीं करना है, आपको सिर्फ माइंड में से वर्ड निकालना है लेकिन मूव में क्या आएगा नंबर आएगा, ठीक है नाम का कैसे लिंक कैसे हो गया वाह सफर ट्रॉफिक के गवाह, वाह क्या सफर था जिसमें हम ट्रॉफिक के गवाह थे, इतना सफर अच्छा था कि बहुत ट्रॉफिक, तो अभी कैसे करना है वाह मीन्स जब मेरे माइंड में आ रहा है डब्ल्यू आता है तो मेरे पास में अभी मेरे वाई से क्या हो जाएगा नाइन, अभी निकल में नाइन देन हेवन से आ रहा है सेवन देन आ रहा है यस सिक्स, ठीक है एफ एफ मीन्स थ्री देन आर आर मीन्स रन मीन्स वन, ठीक है उसके बाद टॉपिक का टी टी मीन्स सिक्स मीन्स टू देन एफ एफ मीन्स थ्री थ्री मीन्स थ्री then गवाह गवाह मतलब जी जी means get that means egg then w ये हो गया ना गवाह हो गया ना तो get get means egg and then w w means y y means nine and h means seven से seven, तो अभी मैं अगर ये नंबर ये वर्ड्स रख देता हूँ और नंबर को मिटा देता हूँ W Y नाइन सेवन सेवन सिक्स सिक्स थ्री थ्री वन वन टू टू विच मिस टू थ्री थ्री मिस थ्री एट एट मिस एट वन नाइन सेवन। अब मुझे क्या याद रखना है, मुझे नंबर याद रखने की जरूरत नहीं है ना ही मुझे सिर्फ मैंने, तो मुझे क्या करना है उसके चेहरे को ठीक है उसके साथ आपने सफर किया था जहाँ पे बहुत ट्रॉफिक था और ट्रॉफिक के हम लोग गवाह थे, ठीक है तो अभी मेरे पास माइंड आ गया तो मेरे पास उसका नंबर देखी थी उसका देखते आना, तो मेरे पास अभी मुझे नंबर याद नहीं है, नंबर मैं भूल भी गया हूँ, हो सकता है कि हर बार आपको नंबर उतने स्पीड से याद नहीं रहेगा लेकिन मैं उसका नंबर इससे याद कर सकता हूँ, इससे हम लोग क्या कर रहे हैं चीजों को जोड़ रहे हैं।